नमस्कार, मैं हूं पूर्वी राय और आप देख रहे हैं BNB ऑल इंडिया न्यूज। मेरे चैनल की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें और बने रहें BNB से और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं BNB की लेटेस्ट खबरें। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। झारखंड सरकार द्वारा विधानसभा में 1932 खतियान और 27% आरक्षण लागू करते हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर गुलाल लगाकर एक दूसरे को बधाई दी। वहीं बेगाबाद के डाक बंगला बाजार में झामुमो प्रखंड अध्यक्ष सह 20 सूत्री अध्यक्ष नुनुराम किस्को उर्फ टाइगर, पूर्व मुखिया राजेंद्र पंडित, युवा नेता अब्दुल गनी उर्फ टीकू, झामुमो नेता इनाम उल हक, राजू सिंह, विजय मुर्मू, विजय किस्कु, विष्णु प्रसाद मंडल, नरेश मुर्मू, नागेश्वर हंसदा, रेणुआ देवी, मुनि हंसदा, सरिता मुर्मू, राजन मुर्मू, पूनम बेसरा, बिशन बेसरा, फुलमणि बेसरा समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे। इस दौरान मांदर, ढोल, नगाड़े आदि बजाकर जमकर नारेबाजी हुई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को साधुवाद धन्यवाद देते हुए शिबू सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद के जमकर नारे लगे। इधर पूर्व मुखिया राजेंद्र पंडित, नुनुराम किस्कु आदि ने कहा कि 1932 खतियान हम झारखंडियों की है पहचान। और किसने क्या कहा, आइए देखते हैं। बेगाबाद के डाक बंगला बाजार से ग्राउंड रिपोर्ट हमारे BNB चैनल हेड जगन्नाथ प्रसाद, कैमरामैन साजिद के साथ। तो फिर बने रहें BNB के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। जी नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख रहे हैं अपने आसपास की खास खबरें। जहां पूरा राज्य 1932 और 27% आरक्षण के बाद में खुशियों की लहर है, वहीं पर बेगाबाद के डाक बंगला बाजार में झामुमो कार्यकर्ताओं का जमकर नारेबाजी हो रहा है। लोग मिठाई बांट रहे हैं एक दूसरे को और खुशी व्यक्त कर रहे हैं। लोग देख पा रहे हैं, मिठाई भी खिला रहे हैं। झारखंडियों के लिए एक सुनहरा अवसर है। हम लोग यहाँ के स्थानीय नेताओं से बात करेंगे और जानेंगे उनको कार्यक्रम के बारे में कि क्या आखिर क्या खूब है और नहीं है। तो नीलकंठ जी कहना चाहेंगे, आपको मालूम होगा कि शिबू सरन गुरु जी, जिनको हम लोग गुरु जी बोलते हैं, उनका इच्छा था कि यहाँ के जनता को मैंने मौलिक अधिकार मिले। वो आज 22 साल के बाद आज पारित हुआ है। आज गुरु जी का जो सोच था वो पूरा हुआ है। इसमें हम लोग यहाँ के झारखंड वासियों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला, आने वाला विधानसभा चुनाव, आने वाला पंचायत चुनाव में आरक्षण मिलेगा और 27% जो OBC को जो ये मिला है वो भी बच्चा लोग को फायदा होगा। ये बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन सरकार को। ये हमारा उनके साथ शुभकामना हम लोग के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं हेमंत सोरेन सरकार को। यहाँ पर और लोग हैं, विपिन सिंह जी, युवा नेता झामुमो के, इनसे बात करेंगे। जी विपिन जी, राज्य सरकार को बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद कि उन्होंने जो है इतनी कठिनाइयों के बावजूद लगातार केंद्र सरकार के द्वारा उन्हें रोका गया, हर समय जो है उन्हें परेशान कर किया गया। हमें तो ऐसा देख के लग रहा था कि जो है केंद्र सरकार की लड़ाई जो है लग रहा था यही चीन है और यही जो है हमारा पाकिस्तान है। उस तरह का सलूक के बावजूद हमारे राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है उनसे लोहा लिया और जो है अपने जो है जो उनकी मंशा थी उनको पूरा होने में जो है कभी भी पीछे नहीं हटे। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बता दिया कि हम जो है संघर्ष से उपजे हुए हैं और संघर्ष से कभी नहीं कतराएंगे। इनके लिए मैं पुनः एक बार जो है शिबू सोरेन जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अलग झारखंड का जो सपना देखा था वो आज साकार हुआ है। अलग झारखंड का जो सपना देखा था वो साकार हुआ है। निश्चित रूप से आज के दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा झारखंड में। जी टाइगर भाई, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज पूरा झारखंड प्रदेश के लिए और यहाँ के आदिवासी मूल वासियों के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज झारखंड विधानसभा के लोकतंत्र के मंदिर में इस राज्य के मुखिया की अगुवाई, माननीय हेमंत सोरेन की अगुवाई में, जो वर्षों की मांग थी 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति और OBC आरक्षण को आज विधानसभा से पारित कराया है, उसके लिए आज हम लोग सभी कार्यकर्ता बेगाबाद के झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता आज खुशी में विजय जुलूस निकाले हैं। ढोल नगाड़े के साथ, पटाखे के साथ खुशी का इजहार कर रहे हैं। आपके माध्यम से हम सरकार को बधाई देते हैं। सरकार आप आगे बढ़िए,
हर झारखंड के आदिवासी मूल वासी साथ हैं। हम लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं, खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। सरकार को हम बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय झारखंड। 1932 का खतियान ओबीसी आरक्षण जिंदाबाद। खुशी से समा नहीं रहे, खुशी से समा नहीं रहे हैं। हम बात करेंगे अनमोल भाई जान से, क्या कहना चाहेंगे अनमोल भाई? मतलब जगन्नाथ भाई, आज तो बहुत खुशी का दिन है हम लोग के लिए। आज जो 1932 का खतियान, हम सभी झारखंडियों के लिए 1932 का जो खतियान लागू हुआ है, इसमें हेमंत सोरेन के मतलब बहुत बहुत बधाई और हम सभी को। आज हम लोग का जो सपना था, वर्षों से जो संघर्ष और हम लोग का जो लड़ाई था, आज यहाँ झारखंड वासियों का सपना साकार हो गया और आने वाला दिन में यहाँ के लोग को अच्छा खासा नौकरी मिलेगा और ओबीसी को जो आरक्षण मिले, इससे हम लोग को भी भलाई होगा और यहाँ बहुत जल्दी झारखंड डेवलप होंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। और बताते हैं झारखंड सरकार की जितनी भी तारीफ की जाए कम, आज ऐतिहासिक दिन आज सेलिब्रेट करने का मौका झारखंड पार्टी के कार्यकर्ता लोगों के खुशी उत्साह विजय जुलूस के तौर पर 1932 खतियान एक झारखंडी पहचान, झारखंड सरकार की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। जो उन्होंने संघर्ष किया वो करके दिखाया, और इससे बड़ी उपलब्धि झारखंड वासियों को क्या मिल सकती है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आरक्षण, ओबीसी आरक्षण जो मिला है, आरक्षण सबसे बड़ी चीज़ इन लोगों को बीच झारखंड सरकार की, ये बहुत बड़ी इन लोगों के लिए बहुत बड़ा एक निर्णय है। जो 1932 का खतियान बहुत बड़ी उपलब्धि है झारखंड वासियों के लिए, एक ऐतिहासिक फैसला है। 1932 का खतियान मतलब झारखंडी पहचान, पहचान बनी है और लोगों में उत्साह देखते ही बन रहा है। लोग फूले नहीं समा रहे हैं, आप खुशी का लहर देख पा रहे हैं, मिठाई बट रही है, लोग एक दूसरे को गुलाल लगा करके बधाई दे रहे हैं। तो 1932 खतियान, जिसकी मांग लगातार जयराम महतो के द्वारा की जा रही थी, आज वह विधानसभा में पारित हो चुका है। 27% आरक्षण भी मिला है, तो निश्चित रूप से आज का दिन झारखंड के लिए ऐतिहासिक और स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जा सकता है। बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। पहचान खतियान है, आज उन्होंने लागू कर दिया और साबित कर दिया कि विपक्षी लोगों ने जो वोट के समय वादा करते हैं कि आपको ये दे देंगे, फला दे देंगे, कलनू दे देंगे, पेंशन दे देंगे, लेकिन उन्होंने आज तक पूरा नहीं किया। और झारखंड की मिट्टी की बेटा जो झारखंड आंदोलनकारी हमारे गुरुजी शिबु सोरेन है, उनकी बेटा ने ये लागू कर दिया कि झारखंड की पहचान एक ही है, 1932 की खतियान। और 1932 खतियान के साथ साथ जब देश हमारा अंग्रेजों के कंगुल में था, तो आज तक पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिला। और आज हेमंत सोरेन ने 27% ओबीसी पिछड़ों को आरक्षण दिया, इसलिए सरकार धन्यवाद के पात्र है। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या, कब, कहां, कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।